अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मां है शेफ फैसल तांडी सोफिया कुकिंग शो में। दा सब खैरियत सां हूंदा। रमज़ान मुबारक जी तमाम घणी मुबारक हुजे तव्हांखे। ऐं जंहिं व्यूअर्स अॼु ॾिसणु शुरू कयो त असां डेली लाइव आहियूं 3 खां 4 डेली लाइव आहियूं अफ़्तार विद फैसल 3 खां 4 बजे ताईं। तमामु मज़ेदार रेसिपीज़ जेके डालडा सां गॾु असां ठाहींदासीं ऐं हुन सां हुनजे अलावा डालडा जी बि कुझु रेसिपीज़ आहिनि तव्हां सां गॾु शेयर कंदासीं। डालडा तमामु बहितरीन कुकिंग ऑयल आहे, मार्केट में अवेलेबल आहे, वठी सघो था। जहां मांदा वहां डालडा, न बदिले ज़माना ना ही बदिला डालडा, ना ही ना बदला रमज़ान, ना कम हुई रमज़ान की बरकतें, ना ही बदला डालडा। ठीक है, 80 सालों से माओ का सब पसंद करते हैं बहुत ही ज़्यादा, 80 सालों से भी ज़्यादा माओ का डालडा पर है भरोसा। डालडा को बनाना है एक कामयाब ब्रांड। रमज़ान की बरकतें और डालडा की बचत, साथ साथ डालडा की जानिब से रमज़ानुल मुबारक आप सबको। डालडा लाया ज़्यादा सेहत ज़्यादा क्वालिटी, क्योंकि डालडा क्वालिटी पर कम्प्रोमाइज़ नहीं करता। ठीक है, क्वालिटी पर कम्प्रोमाइज़ नहीं करता। रमज़ानुल मुबारक की बरकत मज़ीद पुरौनक बनाने के लिए डालडा लाया अपनी मुनफरद रमज़ान पैकेजिंग। ठीक है, मार्केट में अवेलेबल है, डिफरेंट किस्म के आप ले सकते हैं। पाउचेस में भी मिल रहा है, बॉटल्स में भी मिल रहा है, और इस तरह के टिन में भी मिल रहा है। ठीक है, 5 लीटर में है, वनस्पति घी भी मिल रहे हैं पाउचेस में, और ये जो मैं यूज़ कर रहा हूँ ये है 3 लीटर की बॉटल। ठीक है, और 1 लीटर वाले कार्टन मिल जाते हैं, आप वो ले सकते हैं। ठीक है, ये डालडा की तरफ से अपने सार्फिन के लिए एक मुनफरद तोहफा है, आप लोग ले सकते हैं। बिल्कुल ज़बरदस्त ये ब्रांड है डालडा की। और वनस्पति घी, जब मैं हमेशा कहता हूँ कि डालडा का बहुत ही ज़बरदस्त होता है कप शप चाय जब हम पीते हैं, ख़ासकर सहरी में, या अफ्तारी के बाद चाय ज़रूर लेते हैं सब, सहरी में पीते हैं, तो कप शप है डालडा का। यह है लिक्विड टी वाइटनर, लिक्विड टी वाइटनर ये मार्केट में मिल रहा है। ठीक है, ये मार्केट में मिले पे लिक्विड टी वाइटनर, यानी चाय ठाहिण लाइ डालडा जी तरफ़ा ये मार्केट में अवेलेबल है डालडा जी ब्रांड जो कप शप। ही आहे खीर चाय ठाहिण लाइ तमामु बहितरीन, सुठो ऐं मुनासिब क़ीमत में दस्तियाब आहे। तव्हां वठो, पंहिंजी चाय ठाहींदो तमामु बहितरीन हिन में ठहंदी। छाकाणि त सहरी में तव्हां चांहि पीअंदा आहियो, अफ़्तारी में चांहि पीअंदा आहियो, हुनजे बाद बि राति जो ज़रूरत पए थी त जीअं हुनखे कंटिन्यू पंहिंजी लाइफ में रखो, तमामु बहितरीन। हुन सां गॾु हर दस्तरखान जी ज़ीनत आहे रूह अफ़ज़ा मशरूब मशरिक। रूह अफ़ज़ा तमामु बहितरीन शरबत आहे हमदर्द जो, हे हर साल हर दस्तरखान ते हूंदो। हुनजे अलावा जॾहिं महिमान ईंदा आहिनि या ॿार खीर नथा पीअनि, उन्हनि खे विझी ॾियो खीर में। ठीक है, तमामु सुठो फ्लेवर ईंदो। आइसक्रीम्स ठहंदियूं, कुल्फियूं ठहंदियूं फालूदे जे मथां, या मुख़्तलिफ़ फ्रूट्स चार्ज डिफरेंट शयुनि में तव्हांखे इस्तेमालु करे सघो था। तमामु बहितरीन पाकोला फुल क्रीम मिल्क आहे, तमामु बहितरीन पैकिंग में 1 लीटर ही पैक आहे। इहो वठो, तव्हांजा फ्लेवर में बि अचनि पिया खीर। ठीकु आहे, चांहि ठाहियो था खीर पीअण जे लाइ या मिठा ठाहिण लाइ, त पाकोला तमामु बहितरीन आहे। हिन जे अलावा असां वटि आहे हिते टैंग पाइनएप्पल फ्लेवर में, ऑरेंज फ्लेवर में, मौसम्बी फ्लेवर में, मैंगो फ्लेवर में, ही दस्तियाब है हर जगह मिले पियो। ही पैकेट जो है मार्केट में मुझे 250-240 रुपये जो मिलो, इनमें ठहंदा तुझा 3 जग। ठीक है, 3 जग ठहंदा इन जहाँ आराम से ठहंदा पे हिसाब से, तक 3 लीटर जो एक पूरा पाउच है। ठीक है, वो तेज हिसाब से 40 तकरीबन 4 4 8 4 12 12 14 गिलास इन पूरे पैकेट में तमाम सुठा तुझा ठहंदा। अगर एक गिलास ठा पा तो 3 खां 4 टेबल स्पून यूज़ कौ, तमाम बेहतरीन है। ठीक है, एक पैकेट अगर आप लेती हैं तो ये बनता है 3 जग के लिए, एक पैकेट होता है मार्केट में अवेलेबल है। 4 फ्लेवर हैं इसके मार्केट में, कीनू मौसम्बी, ठीक है, ऑरेंज मौसम्बी पाइनएप्पल एंड मैंगो, ये मार्केट में अवेलेबल है। इनके फ्लेवर्स आप लें रमज़ान में, बहुत ही मज़ेदार, बच्चे शौक से पीते हैं इसको, डिफरेंट तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं, और इसके पीछे तरीक़ेकार लिखा हुआ। और ये 3 लीटर यानी 3 जग के लिए होता है, 12 से 14 गिलास आराम से बन जाते हैं। ठीक है, आज की जो हम रेसिपी बना रहे हैं वो बना रहे हैं पकोड़ा प्लेटर। पकोड़ा प्लेटर डिफरेंट किस्म की वैरायटी होगी पकोड़ों की, एक बड़ा प्लेटर बनेगा। चटनियाँ मैंने आपको बनाना सिखा दी थी रमज़ान से पहले, सारी चटनियाँ, बाकी हमारी यूट्यूब चैनल है कुकिंग विद फैसल, उस पर आपको तमाम रेसिपीज़ मिल जाएंगी चटनियों की। ठीक है, हाँ ऐसा टाइम पे आप पकोड़ा प्लेटर, पकोड़ा प्लेटर बना रहे हैं, फिर इस तरह इंशाल्लाह कंटिन्यू रखेंगे रमज़ान की, बहुत सारी वैरायटी आप लोग की फरमाइशें भी पूरी करेंगे। ठीक है, एनएक्स है हमारे साथ, एनएक्स में है जूसर ब्लेंडर चॉपर हैंड बीटर हैंड मिक्सर माइक्रोवेव ओवन वगैरह सब अवेलेबल है। फुटाइल का मेरा किचन है जिसमें मैं डेली आपके साथ होता हूँ। फुटाइल का ओवन और फुटाइल का माइक्रोवेव ओवन बहुत ही ज़बरदस्त है, बेकिंग भी हो जाती है उसमें माइक्रोवेव में इनके, और जो फुटाइल का ओवन है ये बहुत ही फास्ट टेक्नोलॉजी पे बना हुआ है, बड़ी ज़बरदस्त बेकिंग होती है, आपके सामने भी कर चुका हूँ। ठीक है, अब सबसे पहले हम बनाएंगे वेजिटेबल्स, डिफरेंट किस्म की इसमें यूज़ करें, तो सबसे पहले हम बनाएंगे बैटर। अच्छा, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, मैं जितना बना रहा हूँ तो 6 से 8 अफराद आराम से खाते हैं। 6 हरी मिर्चें हैं, 6 पालक के पत्ते हैं, 6 भिंडियाँ, 6 इसमें बैंगन के स्लाइसेस होंगे, 6 टमाटर होंगे, आलू होगा, कुछ बॉल्स बनाएंगे जिसे बटाटा वड़ा कहते हैं आलू के,
कुछ सैंडविच स्टाइल में बनाएंगे, पूरा एक प्लेटर बनाएंगे 3 चटनियों के साथ और एक मिक्स वेजिटेबल के भी थोड़े से पकौड़े, थोड़े थोड़े पोर्शंस में बनाएंगे, तो आप एक एक दो दो पीस भी लेते हैं तो बड़ी ज़बरदस्त प्लेटर आपकी बन जाएगी, ठीक है। तो ये आप, इसके लिए हमने आधा किलो लेना है बेसन। बेसन में हमने क्या डालना है, बेसन को पहले छान ले, और बेसन में भी मिलावट आती है, अच्छी ब्रांड का बेसन ले या चक्की से खुद देख के पिसवाया करें, जो अच्छी चक्कियों पे आजकल पिस रहे हैं, क्योंकि जो खुला बेसन हम ले रहे होते हैं उसमें अक्सर आटा मिला होता है, जब आप चम्मच इसमें चला रहे होते हैं तो वो चिपक चिपक के आटे की तरह लही सी बन रही होती है, तो हमेशा बेसन अच्छा लें ताकि पकौड़े आप इतनी मेहनत से बनाएं, ऑयल भी आपका ज़ाया ना हो और फिर जब खाएं तो वो फिर उसमें फ्लेवर ना आए, ठीक है। डालडा के साथ हम बनाएंगे आज पकौड़ा प्लेटर। तो यहाँ पे हमने इसमें क्या क्या डालना है, सब चीज़ें मैं ऐड करता जाऊँगा और आपने नोट करते जानी। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा ब्लू कलर के पैकेट में मिलता है, सबसे बेस्ट उसमें पकौड़े बनते हैं, अगर वो डाल रही हैं तो आधा किलो में आपने ये डाल देना है, 1 चाय का चम्मच से 1.5 चाय के चम्मच जितना बेकिंग सोडा, और अगर मीठा सोडा डालनी है तो आधा चाय का चम्मच डालेंगी, ठीक है। मिठी सोडा विझंदो तो अधु चाय जो चमचो, अधु किलो बेसण या 1.5 पाव बेसण खणजो, पांजे हिसाब से ठाजो, बेटर मोट शयूं वधिक आहिनि त मां अधु किलो खणा पियो, ठीक आहे। त हिन में असां बेकिंग सोडा सभिनी खां बेस्ट आहे, जंहिंमें पकौड़ा काफ़ी सारी शयूं सुठियूं ठहनि थियूं, जीअं कल्ह असां दही बड़ा ठाहिया हुन में बेकिंग सोडा इस्तेमालु कई, त हाणे हिन में विझंदासीं पीठल ॻाढ़ा मिर्च 1 चाय जो चमचो, पीसी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, नमक हम डाल देंगे 1 चाय का चम्मच, ठीक है। अच्छा, ये मैं अभी सादा बैटर बना रहा हूँ, इसमें मैं हल्दी वगैरह ऐसी कोई चीज़ यूज़ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इसी से हमने पोर्शन बनाने, फिर उसके बाद जो पकोड़ों में हमने चीज़ें डालनी है जैसे धनिया, अजवाइन, ज़ीरा वगैरह, वो हम बाद में डालेंगे, कुटी लाल मिर्च वगैरह। अभी सिर्फ मैंने ये चीज़ें मिलाई हैं इसमें, और इसको अच्छी तरह पहले मिक्स करेंगे, मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, फिर इसका एक अच्छा सा बैटर बना लेंगे, ठीक है। आधा किलो से 1.5 पाव जितना आपने बेसन लेना है अगर पकौड़ा प्लेटर बना रही हैं, ठीक है। अगर आप कम कम पोर्शन बना रही हैं, 2-3 चीज़ें बना रही हैं, फिर आपने इतना तो आपको भी अंदाज़ा होता है कि पकौड़ों में कितना बेसन डालता है, कितनी चीज़ में कितना डालता है, 1 पाव से भी आपके बन जाएंगे कम क्वान्टिटी में, ठीक है। तो एक दफ़ा तो मैं पानी डालूँगा इसमें, अच्छी तरह इसका मिक्सचर बनाएंगे, फिर मैं इसको NX का हैंड बीटर है जो मेरे पास बीटर है मशीन वाला, उससे मैं करूँगा ताकि अच्छी सी बीट हो जाएगी बेसन, और फिर वो जल्दी भी हो जाता है क्योंकि मेरे पास टाइम लिमिटेड होता है, मुझे सारी रेसिपी कंप्लीट करके आपको दिखानी होती है। तो NX जो जेको बीटर है मशीन वालों जिनका केक जो बैटर ठाहींदा आहियूं, अगर वो तव्हांजे घर में मौजूदु आहे त हुन खां इलाही सुठो, जीअं कल बि असां ठाहियो त इलाही सुठो हुनजो बैटर तव्हांजो ठही वेंदो। हाणे हिकु दफ़ा मूं मिलाए छॾियो आहे, ठीक है, एक दफ़ा मैंने मिक्स कर दिया है इसमें। अब हम इसको चला लेंगे मशीन से, इलेक्ट्रिक मशीन से, ठीक है। NX की मैंने लेनी है मशीन, इलेक्ट्रिक बीटर, ये ऑन आना था, ठीक है, ये ले ली, और इससे हमने चलाना है इसमें मशीन को इस तरह, थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, इलाही ज़्यादा पतलो भी ना हो जाए, इलाही ज़्यादा घाटो भी ना हो जाए। अस्सलाम वालेकुम, हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, फैसल बेटा खुश आयो? ठीक ठाक, रमजान मुबारक हुजे तव्हांखे। हां, तव्हांखे भी मुबारक हुजे, बट ए दी सॉरी मसरूफियत तो ही मो तव्हांखे फोन कयो कोन बेटा। अच्छा, कल डिठो प्रोग्राम ता? मु दिठा ही ना, अज पई दिसा। अच्छा अच्छा, हाने मा 3 बजे का 4 बजे डेली लाइव आया, ठीक आ। रोजो रखियो अच्छा, ठीक है। नालो जो फिजा नालो है, शिजा नालो है, 13 रोजो रखो बिन ने शिजा टीवी वर ता थर मुबारक देओ, ठीक है, दिसन पिया। हां हां, दिसन पिया, ठीक है। शिजा आई मोहम्मद साले ता के तमाम घणी मुबारक हुजे, आई ता 13 रोजो रखो है, सिन टीवी जी तरफा भी ता के मुबारक हुजे, आई हमेशा रखो, वीकेंड्स में रखो, नंडा आयो पो आहिस्ता आहिस्ता करी वडा थिन, इंशाल्लाह पो पूरा रोजा रख जो, ठीक है। थैंक यू, ओके जी, पंजो ख्याल रख जो कोर्स। हां ता ना, ये तो गरम चाट कड़ी खाइंदा बेटा। अच्छा, अब बस एक बार में परी या 3 परी इंशाल्लाह। हां, बियो हिन 12 छे टिक्का बिरयानी,
बिरयानी में इंशाल्लाह 10 रमजान का पो कुछ बिरयानी उठाइंदा सी 10 का 12 रमजान जी दरमियान ना हां ताजा मशरूम जेके ता खाया ना वो मो सब खाया खाया जबरदस्त हेलो मेहरबानी मेहरबानी तमाम घणी पानी ख्याल रख जो खुद सारो ठीक है ठीक ओके जी थैंक यू अल्लाह हाफिज़। अच्छा अब मैं इसको स्पीड में चलाऊंगा ठीक है। बैटर थिक लग रहा है मुझे, मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालता जाऊंगा। कंसिस्टेंसी आपने ऐसी रखनी है कि बहुत पतला ना हो बहुत गाढ़ा ना हो ताकि सब्जियों के ऊपर चढ़ पाए ठीक है, स्लिप होके गिरे ना। चंगी तरह ही मशीन से हलाएं पो, टाइम की बचत जे करे जल्दी थी वो। अब इसको चेक करेंगे, एक फ्लो में गिर रहा हो ठीक है, एक फ्लो में गिर रहा हो तो बिल्कुल सही होता है, अगर टूट टूट के गिर रहा होता है तो फिर सही नहीं होता। ये देखें एक फ्लो में आ रहा है ठीक है, इस तरह पूरा उठाएं, ये एक फ्लो में जा रहा है। अगर बिल्कुल चिपक चिपक के गिर रहा होता तो फिर सही नहीं होता ठीक है। ज़्यादा भी पतला नहीं करना है, इतना पतला करना है, एतरो घाटो हुजण खपे, एतरो ही पतलो हुजण खपे, इनका वधीक न कंदो। छाकाणि त पोइ ही पकौड़ा जेके असां भाॼियुनि जे अंदरि डिप कंदा आहियूं शयूं त उहो किरी पवंदियूं आहिनि, हुनजे मथां खां बेसण लही वेंदी आहे फ्राई करण में, त हिन शइ जो ख़्यालु रखिजो। अच्छा अब इसमें हम डालेंगे डालडा कुकिंग ऑयल, इससे क्या होता है क्रिस्प बनते हैं पकौड़े ठीक है। एक खाने का चम्मच डालडा कुकिंग ऑयल भी मिला लेंगे इसमें। हमेशा जब ऑयल आप एक चाय का चम्मच एक खाने का चम्मच मिला दिया करें, इससे क्या होता है कि आपके जो पकौड़े होते हैं वो अच्छे से क्रिस्पी बनते हैं ठीक है। अब मैंने सिर्फ इसमें पिसी लाल मिर्च डाली है एक चाय का चम्मच, नमक एक चाय का चम्मच और बेकिंग सोडा डाला है 1 से 1.5 चाय का चम्मच। अगर मीठा सोडा है तो आपने डालना है 1/2 चाय का चम्मच। बेसन 1.5 पाव से 1/2 किलो जितना है ठीक है। बेसन 1.5 पाव का 1/2 किलो जितना है, ये ऐसे किए किरे पे एक फ्लो में अच्छे पे ठीक है। ये देखें अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑयल गरम करने रखते हैं सबसे पहले, फिर इसके बाद एक एक चीज़ हम यहाँ पे बनाते जाएंगे। तो ऑयल खणंदासीं कढ़ाई में। अच्छा ऑयल जॾहिं 4-5 दफ़ा फ्राई थी वेंदो पोइ डार्क थी वेंदो आहे, घाटो थी वेंदो, पोइ इनखे क्लियर करण जो बि तरीक़ो मां तव्हांखे नेक्स्ट वीक ॿुधाईंदुमि ठीकु आहे। पोइ ॾिसजो अशे बि ऑयल जब गाढ़ा हो जाता है न तो क्लियर करने के लिए भी मैं आपको इसको बताऊंगा तरीका कि हमने इसको क्लियर कैसे करना है। थोड़ा इसमें मैं और डाल रहा हूँ, 1 लीटर तक डला हुआ। कढ़ाई असल में हमारी बड़ी है तो काफ़ी चीज़ें अभी फ्राई होनी है, तो आप फिर अपने हिसाब से 1/2 लीटर में भी बना सकती हैं, 1 पाव भी ऑयल अगर छोटी कढ़ाई में कम, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने ऑयल कितना लेना है। मेरे पास कढ़ाई बड़ी है तो अभी इसमें 2-1.5 लीटर में ऑयल डालूँगा क्योंकि मुझे भी कंटिन्यू काफ़ी चीज़ें बनाती रहनी है तो ये मुझे फिर काम आएगा उस हिसाब से। कॉल वर्तूँ था, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन है कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं मिसेस वसीम बात कर रही हूँ कराची से। कैसी हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ कहना चाहेंगी? जी एक रिक्वेस्ट है आपसे। बिल्कुल कीजिए। शेफ मुझे ये जो बूंदी बनती है हम जिसका दही बड़े वगैरह बनाते हैं वो बनाना बता देंगे? वो तो मैंने बना दी, आपने शायद मिस कर दिया है लास्ट वीक। तो मतलब आपका कोई पेज वगैरह नहीं है जहाँ से मैं फॉलो कर सकूं? आप मेरा नंबर ले लें व्हाट्सएप का ठीक है जी, अभी जी। मैं आपको बताता हूँ, मेरा नंबर लिख लें, मैं दोबारा आप थोड़ी देर के बाद रिपीट कराऊंगा, फिर उस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा कि मुझे, मैं कराची से बात कर रही हूँ तो मुझे बूंदी की रेसिपी, मैं आपको पूरी लिंक शेयर कर दूंगा जो मैंने यहाँ बनाई थी ठीक है। या फिर आप मतलब आप ये नहीं कर सकते कि आप स्क्रीन पे चलवा दें अपना? यूट्यूब पे आप देख सकती हैं। अच्छा किस नाम से? कुकिंग विद फैसल। अच्छा चलो सही। उसको ओपन करेंगी ना तो उसमें वीडियोस का सेक्शन होगा, उसको ओपन करेंगी तो वहाँ सारी वीडियोस खुल जाएंगी ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा उसे। अच्छा और एक और आपसे फरमाइश है कि ये जो हम दही बड़े बनाते हैं माश की दाल के, हाँ जी, तो वो जब हम मैं तेल में डिप करती हूँ ना तो वो बिल्कुल गोल गोल से बॉल हो जाते हैं, जैसे अब हम बाजार में जो मिलते हैं बड़े बड़े से वो वाले नहीं बनते? नहीं वो जो बाजार में मिलते हैं ना वो भी इसी तरह गोल हो जाते हैं बिल्कुल ना लड्डू की तरह। फिर इसके बाद जी, आप जी। इसको ना ठंडा करके पानी में डिप करती हैं? हाँ जी हाँ जी। पानी में डिप करके ना फिर इसको दोनों हाथों की हथेली में रख के हल्का सा प्रेस किया करें, पानी भी निकल जाएगा और वो स्पंज उसका टूटेगा भी नहीं, वो बिल्कुल वैसे चिपटे हो जाएंगे जो हम दही बड़ों वालों के पास खाते हैं, छोलों वालों के पास। आप देखिएगा कल का प्रोग्राम भी वहाँ अपलोड हुआ हुआ है दही बड़ों का, तो यूट्यूब पे वो आप कल मैंने बनाया था वो तरीका सारा ठीक है। थैंक यू जजाकला। अच्छा अब हमने क्या करना है, अब हमने ये बेसन बना लिया ठीक है, बेसन ठाही छो हाणे जी वेरिएशन कहूँ तो असंखे छाछा करणो। अब यहाँ पे हमने लेना है 1 पाव आलू, आलू को आपने बॉयल करके मैश कर दिया था। आलू पहले हम बटाटा वड़ा जिसे कहते हैं ना गोल होते हैं वो बनाने, इसमें हरा धनिया डालेंगे और पुदीना 1-1 खाने का चम्मच, 1 पाव आलू था या 1.5 पाव ले लें,
एक पा का डेढ़ पा पटाटा बॉयल करे छिले हाथ से मैश कर जो गुठली ना हो जाए। एक अदद हरी मिर्च चली जाएगी, हरी मिर्च नहीं खानी तो हटा दें, ठीक है। एक छोटा सा प्याज 2 से 3 खाने के चम्मच जितना ये डाल दिया। और एक शॉर्ट ब्रेक पे जा रहे हैं, ठीक है। मैं यहाँ हाथ रोक रहा हूँ, ब्रेक के बाद आके हम रेसिपी कंटिन्यू करते हैं और डिटेल में सारी चीज़ें लिखते जाएगा। बट उतर शॉर्ट ब्रेक कर और ब्रेक का पोची कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक ते वञणु पहिरीं तव्हांजे साम्हूं जेका रेसिपी ठाहे पई हू बेटर सां ठाहे छॾियो, ठीकु आहे। अब यहाँ पे हमने क्या लिया, यहाँ पे हमने लिया है आलू एक पाव बॉयल मैश किया हुआ, हरा धनिया 1 खाने का चम्मच, पुदीना 1 खाने का चम्मच, एक अदद हरी मिर्च ऑप्शनल है डालें या ना डालें आपकी मर्ज़ी, और एक छोटा प्याज 2 से 3 खाने के चम्मच बारीक कटिंग किया हुआ, सावा धाणा 1 खाइण जो चमचो, फूदनो जो पत्ता 1 खाइण जो चमचो, 1 सावा मिर्च ऑप्शनल है विझो या ना विझो तव्हांजी मर्ज़ी आहे, नंढो बसर सफ़ा नंढो 2 खां 3 खाइण जा चमचा बारीक कटिंग थियल आहे, पटाटा 1.5 पाइन, ठीक आहे। हाणे हिन में असां छा विझंदासीं, चाट मसालो। चाट मसाला वही है होममेड जो मैंने बनाना सिखाया था, इसमें 1 चाय का चम्मच, ठीक है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च ऐसे 1/4 टीस्पून थोड़ी सी, और ज़ीरा इसमें थोड़ा सा डालेंगे 1/2 चाय का चम्मच, ज़ीरो 1/2 चाय जो चमचो, कुटियल गाढ़ा मिर्च 1/2 चाय जो चमचे का सफ़ा घट, ठीक है। और चाट मसालो भरे 1 चाय जो चमचो विझ छो, बस इनके कंदासी मिक्स, कुछ भी बीशे ना है विझनी, ठीक है। और कोई चीज़ इसमें नहीं जाएगी, इसको आपने मिक्स करना है, और मिक्स करने के बाद इसको आपने बॉल्स बनाने हैं, छोटे छोटे बॉल्स बना के और फिर आपने इसको डिप करना है, ठीक है। ये अच्छा सा मिक्सचर बन गया, अब इसके हम बॉल बनवा लेते हैं। इसके मुझे बॉल बना के दें, हाथ गीले कर करके ये लें, इसके बॉल बना दें मुझे 6 से 8 छोटे, बहुत बड़े नहीं होने चाहिए, ठीक है। बॉल बन रहे, अब हम क्या करेंगे, बैंगन जो है बैंगन एक ले लेंगे गोल वाला, ठीक है। गोल बैंगन लेके आपने इसके ऊपर कुछ भी नहीं लगाना, इसके ऊपर आपने सिर्फ चाट मसाला हल्का हल्का इस तरह लगाना है, क्योंकि बैंगन फीका होता है तो टेस्ट इतना मज़े का नहीं आता। अब वो मर्ज़ी आप फीका भी रखना चाहें, थोड़ा थोड़ा चाट मसाला, ये वो चाट मसाला है जो मैंने यहाँ पे बनाना सिखाया था, इसका लिंक आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, ठीक है। इन जो लिंक तव्हांखे यूट्यूब ते मिली वेंदो, हे बेसण जे मथां असां चाट मसालो हणी छॾियो, बेसन पे चाट मसाला लगा दिया, ठीक है। ये रख दिए साइड में यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, ऑयल यहाँ पे गर्म हो रहा है, एक बॉल लेते हैं, इसमें हम डालेंगे चाट मसाला 1 खाने का चम्मच, ठीक है। आमचूर पाउडर, खटाई पाउडर जिसे कहते हैं मैंगो पाउडर, ये भी डाल देंगे इसमें 1 से 1.5 खाने का चम्मच। अंबड़ीन जो जेको पाउडर होंदो आहे जंहिंखे आमचूर चइबो आहे, ठीक आहे, इहो विझंदासीं 1.5 खाइण जो चमचो, ऐं चाट मसालो 1 खाइण जो चमचो। कॉल वठूं था, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है कैसे? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, कौन हो, कहाँ से बात कर रहे हैं? कराची से बात कर रहे हैं जी। कुछ कहना चाहेंगी? तेल नीचे कढ़ाई में चिपक जाते हैं जी जी। आप तेल को अच्छा गर्म किया करें, तेल को अच्छा गर्म किया करें। जब स्टिक एक रखें, वुडन स्टिक छोटी सी, तेल जब गर्म हो रहा था ना, इसमें स्टिक डाल के डिप करके देखा करें, जब उसमें बबल्स आ रहे होते हैं, बिल्कुल बैलेंस टेम्परेचर होता है, ठीक है। और सिल्वर कोशिश करें, सिल्वर का जो पैंदा होता है ना, सिल्वर का वाइट वाला सिल्वर कलर का, वो ना हो, कढ़ाई वो यूज करें जो ब्लैक पैंदे वाली मोटी धातु की होती है ना, उसमें नीचे पकते हाँ, तो बस ये करके देखिए। नहीं तो फिर क्या कीजिएगा, थोड़ा सा नमक डाल दीजिएगा उसमें ना, हल्का सा। नमक भी डाला है लेकिन फिर भी पता नहीं, पता है क्या, बेसन में आटा भी मिला हुआ आ रहा है, यही मैं उस वक्त बता रहा था कि आजकल बेसन ऐसा आ रहा है कि उसमें आटा मिला हुआ था, वो चिपकना शुरू हो जाता है। बेसन चक्की से लिया करें या फिर इम्तियाज वगैरह से यहाँ से लिया करें, ठीक है। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। हरी मिर्चें मोटी वाली अब आ गई हैं रमज़ान में इस तरह की, ठीक है। जर्मन मिर्च भी कहते हैं हरी मिर्चें मोटी, ये 6 अदद ले ली, 6-6 मैं बना रहा हूँ सब चीज़ें, ठीक है, क्योंकि प्लेटर बहुत ओवर भी ना हो, 5 से 6 अफराद के लिए काफ़ी होता है। तो हरी मिर्चें आपने जो मोटी आती है रमज़ान में, ये जर्मन ये ले ली, इसके अंदर आपने ये मसाला भरना शुरू कर दिया, ठीक है। मैंगो पाउडर मिल जाता है, खटाई पाउडर कहते हैं, ये ले लें 1.5 से, मैंने थोड़ा बढ़ा दिया था, 2 खाने के चम्मच कर दिए थे, क्योंकि 6 बड़ी हरी मिर्चें, तो हरी मिर्चों के भी हमने इसके अंदर मसाले को इसमें फिल करना, और चाट मसाला 1 से 1.5 चाय का चम्मच या 1 खाने का चम्मच, इस तरह आपने करके
ये सारा मसाले इसके अंदर भर देने। मिर्चन जी अंदर जर्मन मिर्च अचन पिया ही मार्केट में मिलन दा इन रमजान में इनके अंदर अंबड़ी जो जो पाउडर हो अमचूर पाउडर वो डेढ़ ब खंड चमचा एक खंड चमचो तुम चाट मसालो बाकी पे हिसाब से तुम घट वध करी सको था। मानू पीठल दाणा भी विझंदा इन वधाइण जे ला ओ जरूरत नथी हुजे पीठल दाणा जी खटाई पाउडर वी छड़ो ठीक है। बहुत से लोग धनिया पाउडर डालते हैं बढ़ाने के लिए मसाला डाल सकती हैं इसमें एक खाने का चम्मच वो भी लेकिन ज़रूरत नहीं है। आप मैंगो पाउडर और चाट मसाले को मिक्स करके करें। ये हो गई दो चीज़ें बॉल्स हमारे बन रहे। अब हम भिंडी भी यूज़ कर रहे हैं इसमें ठीक है। भिंडी भी यूज़ कर रहे हैं तो भिंडी के लिए भी हमने थोड़ा सा यहाँ पर दोबारा चाट मसाला लिया और इसी तरह मैंगो पाउडर दोबारा से लिया। इसमें फिर ऑयल नहीं लग वो पानी नहीं डालना है इसको ऐसे ड्राई पाउडर में। बड़ी वाली भिंडियाँ 6-8 ऑप्शनल है आपकी मर्ज़ी है ये ले ली। इसको कट लगाया और इसके अंदर आपने इस तरह ड्राई मसाला भर दिया ठीक है। भिंडी मैंने ऑप्शनल रखी है ये आपकी मर्ज़ी आप क्या क्या इसमें डालना चाहते हैं। भिंडी भी छड़ी भिंडी के अंदर मसालों भी छो 6 भिंडियों थी वही 6 मिर्च थी वह भिंडी वे साइज़ जो खड़ो तो सुठियों भी लगन खाने में भी भलियों लगन जायको भी इंदो। और बैंगन हो गए आलू हमारे वहाँ पे चले गए हैं बॉल्स बन रहे हैं और उसको भी हम डिप करेंगे। उसके बाद ऑनियन के रिंग्स हैं टमाटर के स्लाइसेस हैं टमाटर के स्लाय दो सख्त टमाटर लीजिएगा नरम टमाटर नहीं होना चाहिए ठीक है। टमाटो सख्त हुजन खपे नरम ना होजे छाकन त नरम टमाटो जो हों पानी छे दींदो त इतने सख्त टमाटा भी अस यूज़ कंदासी एक या ब टमाटा जिनजे 6 स्लाय हर शे जो मैं 6-6 पीस कया है ताकि आराम से ये न थी कि हथ में अचे पे केर खाई सके पे कोई ना पे खा सके सभी के मिलन तो 6 मानू के हिसाब से मैं कहो। अब यहाँ पे हमने ले लेने टमाटर ये देखें 6 टमाटर मोटे स्लाइसेस आपने इस तरह काटने मोटे स्लाइसेस काटने बारीक नहीं काटने ठीक है। इस तरह टमाटर ले लेने इसके ऊपर भी आपने थोड़ा थोड़ा चाट मसाला हल्का हल्का मामूली सा इस तरह लगा देना ये बड़ा ज़बरदस्त प्लेटर बन जाएगा। चटनियाँ आपको सिखा दी मैंने आप चटनियाँ खुद बना के इसके साथ सर्व करें। अब इतना पोर्शन हमारा हो गया है इसको सबसे पहले हम फ्राई करना शुरू करते हैं फिर इसके बाद आलू और बैंगन और ये चीज़ें फिर करते हैं ठीक है। हाँ जेको बैटर हो चूल्हा बिल्कुल मीडियम पर रखा हुआ अब ये जो बैटर है यहाँ पर रखते हैं बल्कि यहाँ रखते हैं करीब। बैंगन उठाया इसमें डिप किया इस तरह घुमा के और हल्का सा इसका मसाला उतार लें ताकि ओवरलैपिंग ना हो ठीक है। ओवर ना थिए मसालो वधिक इनके अंदर विझंदा वेंदो मसालो लगल है इनके मथा इस तरह हल्का सा डिप किया और फिर इसको यूं उठाया हल्का सा इसकी बाउंड्री के साथ टच करें। थोड़ा सा मैं चूल्हा बढ़ा रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा तेज़ गर्म ऑयल भी होगा तो पकौड़े अंदर से सब्ज़ियाँ कच्ची रह जाती हैं ऊपर से बेसन फ़ौरन ब्राउन हो जाता है तो मीडियम टू लो फ्लेम पर करें ये देखें ठीक है। इन तरीके से पहले बैंगन डालते जाएंगे उसके बाद मिर्चें डालते जाते हैं टमाटर डालते चलते हैं सब होती जाएंगे प्लेटर में निकालते जाएंगे और सब्ज़ियों का भी एक मिक्स सब्ज़ियों का भी बना रहा हूँ पकोड़े और बाकी डिफरेंट किस्म के जो सादे पकोड़े बनते हैं वो भी बनाना सिखाऊंगा एक दो दिन में ठीक है। पकोड़ों की बहुत सारी वैरायटी है चिकन के पकोड़े हैं कीमे के पकोड़े हैं छोलों के पकोड़े बनते हैं डिफरेंट डिफरेंट किस्म के पकोड़े इंशाल्लाह बनाते जाएंगे। ये बैंगन हो गए बैंगन के साथ अब जगह इतनी नहीं है तो इसमें हम सिर्फ भिंडियाँ डाल रहे हैं ठीक है। भिंडी खंडासी इन तरीके से पानी बिल्कुल बैलेंस करके आपने डालना है इस तरह डिप करके दें और ये उतारते जाएं सारा मसाला बहुत ज़्यादा मोटी लेयर भी नहीं आनी चाहिए इसके ऊपर। बेकिंग सोडा मिल जाता है मार्केट में हर जगह पैकेट मिलता है 70-80 या 100 रुपए का ऐसे मिलेगा बहुत सारा होता है। मीठा सोडा से ज़्यादा बेकिंग सोडा में पकौड़े अच्छे बनते हैं ठीक है। ये आप खुद देख रहे होंगे फूल भी रहे हैं और अच्छे बनते हैं बहुत अच्छी सी उसकी बाइंडिंग होती है ठीक है। बेकिंग सोडा वठो हर जगह मिली तो उन्हें ब्लू कलर जो दबो होंगे वो जो कभी कंपनी जो नवट जो लोकल भी अजकल अचन पिया तो बेकार होंगे उनमें छामिल होंगे केमिकल। अभी भिंडियाँ फ्राई हो रही हैं और बैंगन फ्राई हो रहे हैं तो ये जैसे होंगे इनको हम निकाल लेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे बाकी चीज़ें फ्राई करना शुरू करेंगे और बाकी चीज़ें किस तरह बनेंगी वो भी बताता जाऊँगा। हाने इनके पलटाइंदा भी वेंदासी फ्राई थींदा वेंदा अभी इसको आराम आराम से आपने पलटाते जाना है ठीक है। एक तरफ से हो जाए फौरन फौरन आपने स्पून नहीं डालना है क्योंकि क्या होता है कोटिंग गिर जाती है। अब देखें इसके ऊपर कोटिंग गिर नहीं रही परफेक्ट कोटिंग बेसन के ऊपर हरी भिंडियों के ऊपर आ रही है तो इसकी गिरेगी नहीं। अब मैं चूल्हा थोड़ा तेज़ कर रहा हूँ टेम्परेचर मैंने डाउन रखा हुआ था ताकि अच्छी से फ्राई होना शुरू हो जाए। अब देखें ये खुद ही आपको नज़ारा होगा इसके ऊपर फूल रहा है ऑयल डाला ऑयल ज़रूर डाला करें जब बेसन आप बनाते हैं एक पाव बेसन बना रही हैं तो एक चाय का चम्मच या डेढ़ चाय का चम्मच ऑयल ज़रूर डाला करें या एक आधा किलो बेसन है तो उसमें दो खाने के चम्मच ऑयल डालें। इससे क्या होता है
ऑयल डालने से क्रिस्पीपन आता है इसका, और इसके ऊपर जो लेयर बहुत अच्छी सी बन रही है, इस वजह से बन रही है कि हमने एक तो बेसन हमारा खालिस है और दूसरा हमारा क्या है कि बेकिंग सोडा यूज़ किया है। ठीक है, एक तो बेसन खालिस है और दूसरा क्या है कि बेकिंग सोडा यूज़ किया। अब ये बॉल्स बन के आ गए हैं। ठीक है, बॉल्स ठही अची विया आहिनि, हिन खे बि डिप करे कढंदा सी सॼो प्लेटर हिन तरीक़े सां ठहंदो। और यहाँ पे हम एक प्लेटर रखते हैं, इसके ऊपर हम निकालते जाएंगे। टिशू वो यूज़ करें जिसमें खुशबू ना हो। ठीक है, वो टिशू यूज़ करें प्लेटर पे जिसमें खुशबू ना हो। खुशबू वाले प्लेटर टिशू कभी भी यूज़ ना किया करें, बॉक्स वाले जो होते हैं खासकर। अब इसको पलटाते जाएंगे। कॉल बैठूँ था, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? मैं ठीक ठाक, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं आपसे बात बोल रही हूँ। कौन बात कर रही हैं? निकट। कौन से सिटी से? एबटाबाद से। जी कुछ कहना चाहेंगी? हेलो जी, जी आवाज़ आ रही है मेरी? वो अल्लाह हमारे सिग्नल नहीं है तो आपका चैनल ही नहीं आता, बहुत काम आता है। तो आपने चटनियाँ कब सिखाई हैं? चटनियाँ तो मैंने पिछले हफ्ते सिखा दी जी, चार किस्म की चटनियाँ, टोमेटो केचप, चिली गार्लिक सॉस और समोसों की पट्टियाँ, फ्रोज़न पराठे और जो फुलकियाँ बनती हैं दही फुलकियों के लिए वो स्टोर करके कैसे रखी जाती हैं, और फ्रोज़न दो किस्म के कबाब, काफ़ी सारी चीज़ें मैंने सिखा दी, तीन किस्म चार किस्म के शरबत। वो रिपीट नहीं हो सकता प्रोग्राम? नहीं, प्रोग्राम रिपीट नहीं होगा क्योंकि लाइव ट्रांसमिशन जारी ना रमज़ान की, तो आप यूट्यूब पे देख लें, यूट्यूब तो हर कोई यूज़ कर रहा होता है ना घर में। कुकिंग विद फैसल आप सर्च करेंगी ना यूट्यूब पे, आपको तमाम रेसिपीज मिल जाएंगी वहाँ पे। ठीक है भाई, ओके। ये आप ब्लेंडर इस्तेमाल करते हैं, ये किधर से मिलता है? क्या कह रही हैं? ये आप ब्लेंडर जो आप इस्तेमाल करते हैं? हाँ जी। ये किधर से मिलते हैं? एबटाबाद में रहती हैं आप? एबटाबाद में रहती हैं ना सिटी में? जी। तो वहाँ इलेक्ट्रॉनिक शॉप होती हैं, वो तो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का सिटी है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक शॉप में जाएं, एनएक्स का आप बोलें, ब्लेंडर जूसर वगैरह मशीनरी दिखाते हैं तो आपको खुद ही नज़र आ जाएगा वहाँ पे। ठीक है, ठीक है। एनएक्स तो? एनएक्स जी 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 ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। ये देखें इसका बड़ा ज़बरदस्त कलर आ गया। ठीक है, अब मैं इसको निकालना शुरू कर रहा हूँ। ये बिल्कुल परफेक्ट कलर है गोल्डन, ना ज़्यादा ब्राउन करें ना ज़्यादा लाइट कलर में करें। ठीक है, ना ज़्यादा घाटा कयो कलर हिन जा डार्क कयो, ना ज़्यादा हल्को कलर हुजणु खपे, बिल्कुल हिन तरीक़े सां हिन खे कढंदा वेंदासीं। ऑयल जेको आहे तव्हां ॾिसो पंहिंजे मथां चढ़े न पियो, बिल्कुलु परफेक्ट तरीक़े सां ठहनि पिया, वरना ऑयली थी वेंदा आहिनि त उहो सुठा न लॻंदा आहिनि। री फ्राई नई किया करें, जब भी बनाए फ्रेश बनाए। ठीक है, और ये जो बैटर अगर फ्रिज में रखती हैं तो कवर करके रखा करें, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट रखेंगी तो क्या होता है उसमें पानी की लेयर आ जाती है। ठीक है, जब डायरेक्ट आप रखते हैं ऑयल ये बेसन तो उसमें पानी की लेयर आ जाती है, हमेशा अच्छी तरह कवर करके रखा करें और फ्रिज को देखा करें कि उसका टेम्परेचर बिल्कुल सही चल रहा हो। अब ये मिर्चें जो मैंने डिप मसाला भरा था इसको डिप करेंगे, इस तरह उठाते जाएं और देखें एक्स्ट्रा जो है मसाला इसके ऊपर लेयर नहीं आनी चाहिए, एक्स्ट्रा मसाले की लेयर नहीं आनी चाहिए। अगर एक्स्ट्रा मसाले ये बेसन की लेयर आएगी तो बहुत ज़्यादा ओवर हो जाते हैं पकौड़ों को, लाइट सी लेयर आनी चाहिए। ठीक है, लाइट सी लेयर के साथ आपने पकौड़े बनाने, और ये देखें इस तरह उठाते जाएं और साइड में बाउंड्री जो होती है बॉल की इसको टच करें। ठीक है, इन तरीके से बाउंड्री जो होती है बॉल जी इन साइड से ये टच कंदा वेंदा तो पकौड़ा ये ताजा फ्राई थींदा वेंदा और सुठी इनके मथा लेयर इंदी। ठीक है, इन तरीके से आराम से आपने ये उठाते जाना है, पकौड़े इसमें डालते जा रहे हैं। अब इसके बाद हम डालेंगे टमाटर। ठीक है, टमाटर को मसाला लगाया था, स्लाइसेस किए हुए थे ये मैंने उसमें उठाए, यूँ उठाया पीस टमाटर का, और चाट मसाला लगा दें, अगर चाट मसाला नहीं है तो कुटी हुई लाल मिर्च और नमक भी लगा सकती हैं। ठीक है, कुटी हुई लाल मिर्च और नमक भी लगा सकते हैं, चाट मसालों ना है। टमाटर सॉफ्ट नहीं लेना है, टमाटर दोबारा बता रहा हूँ जो सख्त होते हैं पिचके हुए नरम टमाटर नहीं होने चाहिए, जो टमाटर हार्ड होगा लाल होगा वो आपने लेना है, उससे वो फिर क्योंकि ऑयल में पकेगा तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा, टूटना शुरू हो जाते हैं और पानी छोड़ता है, तो टमाटर की लेयर अच्छी तरह लगानी है ताकि टमाटर खुले ना और इसका जो पानी है वो निकल के ऑयल में ना जाए। ठीक है, वरना आपके फेस पे भी आ सकता है। ठीक है, टमाटर जेका तव्हां फ्राई कंदो त हिन जी लेयर सुठी हूंदी त ही पुजे ठहंदा त तमामु बहितरीन ठहंदा। ठीक है, वरना ही खुली वेंदा। ठीक आहे, हे थी वियो। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो बटाटा वड़ा हमने बॉल्स बनाए ना वो किस तरह फ्राई करने हैं, उनकी कोटिंग हम करेंगे स्पून से। ठीक है,
उसकी कोटिंग करेंगे हम स्पून से। इस तरह का स्पून ये घर में होता है जो सालन के लिए हम स्पून यूज़ करते हैं, गोल वाले, ठीक है, बड़े साइज़ के होते हैं टेबल स्पून से। ये आपने बॉल उठाया, एक हाथ यूँ उठा के रखा, इसमें डाल दिया और इसको इस तरीके से कोटिंग की चम्मच से, ठीक है, इन तरीके से कोटिंग कर दो चमचे सा, ये देखिए इस तरह करके आपने इसको डालना है। अब ये जब मैं निकाल लूँगा तो फिर मैं ये बॉल्स डालना शुरू कर दूँगा। देखिए हमारी मिर्चें एक तरफ से हो गई हैं, आपने इसको पलटाते जाना है दूसरी तरफ से। एक साइड का थी वही हूँ, ये पास सिखा टमाटर के पलटाइंदा वन जो ॾाढी ज़बरदस्त रेसिपी आहे, चटणियूं तव्हांखे काफ़ी सारी सेखारी छॾियूं आहिनि, उन सां गॾु खाइजो। ठीकु आहे, ये हो गया, एक साइड से हो गया। टमाटर का आप देख रहे होंगे इसमें ब्राउनिश और रेडिश सा टोन आ रहा होगा, कलर आ रहा होगा टमाटर का, ठीक है। तो ये टमाटर फ्राई हो रहे हैं, जब दोनों तरफ से फ्राई होते जाएं, प्लेटर आप छोटा है तो फिर मैं इसको चेंज कर लेता हूँ दूसरे प्लेटर में, फिर बाद में हम जब इसको बड़े प्लेटर में लगाएंगे तो फिर आप देखिएगा। अभी मैं इनको साइड में रखता जा रहा हूँ ताकि मैं टिशू पे निकालता जाऊँ, और टिशू मैं जब भी बता रहा हूँ हमेशा बताता हूँ कि टिशू आप वो यूज़ करें जो बॉक्स में होते हैं, वो यूज़ ना करें। टिशू वो यूज़ करें जो इस तरह के पार्टी पैक होते हैं या फिर वो रोल में मिलते हैं, किचन टावल जिसे कहते हैं। ब्रेक जो टाइम थे शॉर्ट ब्रेक थे, उन्होंने ब्रेकअप होची रेसिपी कंटिन्यू करना थी जब तक ये फ्राई हो रहे हैं, इसके बाद बाकी चीज़ें हम फ्राई करेंगे। एक शॉर्ट ब्रेक पे जाने, ब्रेक के बाद आपके कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक ते वञण खां पहिरीं तव्हांजे साम्हूं जेके मां बॉल्स ठाहियो आहे बटाटा वड़ा जिसे कहते हैं, ठीक आहे, हू जेके हिन में विझी छॾिया ऐं हिन खे वॾे चमचे सां जिन सां असां बोड़ कटंदा आहियूं न, महिमान ईंदा आहिनि तव्हां डोंगे में चमचो रखंदा उहो वारो गोल, ठीकु आहे, टेबल स्पून सां न ॾिसो हाणे हिन खां केॾा सुठा गोल परफेक्ट आहिनि। त बटाटा वड़ा जब बनाते हैं तो बड़े स्पून से आपने इसमें कोट करके, हाथ से नहीं कीजिएगा, सॉफ्ट होता है बैटर तो टूट जाते हैं। अब यहाँ पर लेने हैं ऑनियन के रिंग्स, एक प्याज ले लें, ये भी बहुत मज़े के बनते हैं प्याज के रिंग्स, ठीक है, एक बड़ा प्याज गोल स्लाइसेस में काटें, मोटे मोटे, फिर स्लाइसेस खोल दें हाथ से, इस तरह खोलेंगी तो ये रिंग्स बन जाएंगे, ऑनियन के रिंग्स हैं, ठीक है, ये भी हमने इसमें डिप कर देने हैं। रिंग यानी छाजा, बसर जा, बसर के विच में स्लाइस में जो कटंदा आहियूं पोइ उनखे खोलंदो त हीअं गोल गोल रिंग ठही वेंदा। तो ये रिंग्स भी आपने उठाना है इस तरह, एक्स्ट्रा बैटर इसका गिर जाए, और ये रिंग्स आपने यहाँ पे डालते जाने, ये बड़े ज़बरदस्त लगते हैं जब हम इसे खाते हैं पकोड़ों के इसमें बैटर में, ठीक है। ये सब ऑप्शनल हैं, आपकी मर्ज़ी, आप इतनी सारी मैंने चीज़ें एक साथ सिखा दी हैं प्लेटर में, तो ये इसमें से आप भले एक चीज़ बनाएं भले दो चीज़ बनाएं, वो आपकी मर्ज़ी। हाँ, इनमें भले तो एक शे ठाओ, बस आयो, ट्रे ठाओ, कॉल वठूँ तो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम कैसे भाई, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक, अकीला आप कैसी हैं? रमज़ान मुबारक हो आपको बहुत ज़्यादा। खैर मुबारक आप सबको भी, बहुत बहुत रमजान मुबारक। खैर मुबारक, कैसे आपके तो रोजे बहुत अच्छे जा रहे होंगे एबटाबाद में। बिल्कुल, अभी हीटर लगा हुआ है, हम हीटर के सामने बैठे हुए हैं। अच्छा जी, अच्छा, सर्दी है इधर तो। अच्छा अच्छा, सर्दी हो रही होगी ना उस तरफ बहुत ज्यादा। ठीक ठीक, आज आप प्लेटर बना रहे हैं, बहुत जबरदस्त बना रहे हैं। हाँ, पकौड़ों का प्लेटर, कल का प्रोग्राम देखा था आपने? वो लाइट नहीं थी, वो आप दही बढ़िया बनाई है तो रिपीटर भी नहीं चल रहा आपका प्रोग्राम। रिपीट तो अभी फिलहाल नहीं है, यूट्यूब पे देख लें, या फिर है ना यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगी तमाम रेसिपीज जो यहाँ से, अगर लाइट का इशू आ रहा हो ना। अच्छा, तो वो रेसिपी रिपीट कर दें अगर हो सकता है। अभी मैं देखता हूँ, बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि आज ब्रांड भी है, दूसरी भी मुझे ड्रिंक्स बनानी है ना, तो अच्छा। मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, फिर ये कि आपके पास मेरा व्हाट्सअप है ना, आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको लिख के भेज दूंगा टाइप करके, आप वहाँ से, अगर यूट्यूब नहीं चल रहा तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, ओके जी, थैंक यू। लाहौरी दही बल्ले भी बनाऊंगा, लाहौरी भटूरे भी बनाने, सारी चीज़ें बनानी है। अभी शुरू शुरू में पकौड़े और ये समोसे ये चीज़ें बना दूँ ना, तो फिर इंशाल्लाह है ना। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। ये देखें, इनका कलर ऐसा आना चाहिए, गोल, ज़्यादा डार्क कलर नहीं आना चाहिए। ठीक है, ये बटाटा वड़ा हमारा तैयार हो गया, सारे मैं निकालता जा रहा हूँ, चारों तरफ से एक जैसा कलर आ जाएगा, क्योंकि आलू जो है हमारे वो वैसे ही ऑलरेडी बॉयल हैं। ठीक है, पटाटा वहीं ऑलरेडी बॉयल थियल आहिनि, त इन करे हे जेके पटाटा जेके अंदरि बस मथां खां असांजे कोटिंग ॾे, कोटिंग देखे कितनी ज़बरदस्त इसकी स्मूथ आ रही है। ठीक है, कोई फटी हुई नहीं है, कोई अजीब सी नहीं हो रही, बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म का इसका शेप आ रहा है। ये भी हो गया हमारे तैयार, ये 6 से 8 बने हैं। अब चूल्हा कम करते जाएँ, तेज़ करते जाएं, क्योंकि ये आपने खुद मेंटेन करना है इसका टेम्परेचर। ये देखें, प्याज के रिंग भी हो गए,
ये हो गया, ठीक है। अब क्वांटिटी आपने अपने हिसाब से कम ज़्यादा करनी है। इसका अंदर जो ये पीसेज आ रहे होते हैं ये निकाल लिया करें, ये वरना ऑयल में जलना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ब्रेड डबल रोटी के स्लाइसेस लेने, इसको रखते हैं यहाँ पे ताकि आप लोग देख सकें। डबल रोटी जहाँ स्लाइस खड़न दो, दो स्लाइस उठाए डबल रोटी के, ठीक है। इसके ऊपर हमने क्या लगाना है, चटनी। अब वो आपकी मर्ज़ी है, हरी चटनी लगाती हैं या लाल चटनी लगाती हैं, ठीक है। इसके ऊपर हमने क्या करना है, चटनी बनी हुई थी ग्रीन वाली, आधा कप हरा धनिया, आधा कप पुदीना, एक अदद हरी मिर्च, ठीक है। आधा कप हरा धनिया, आधा कप पुदीना, एक अदद हरी मिर्च, दो जवे लहसुन के, एक चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा और कुटी लाल मिर्च आधा चाय का चम्मच, ये सब चीज़ें मिला के, और टाटरी जो लेमन सॉल्ट होता है वो मिला लें इसमें हाफ टी स्पून, थोड़े पानी के साथ ब्लेंड करेंगे चटनी बन जाएगी। यानी चटनी ठही भाई। चटनी बनाने के बाद आपने क्या करना है, इसको इस तरह स्ट्रिप्स में काटना है, छुरी तेज़ होनी चाहिए। ये सैंडविच स्टाइल में आपके बनेंगे बड़े ज़बरदस्त स्ट्रिप्स, ठीक है। ये हो गया, इसको अच्छी तरह प्रेस करें हाथ से अपने तरीके से, ऑयल के थोड़ो घट कंदा से हे भी इनमें प्लेटर में आ जाएगा, ठीक है। ये हरी चटनी लगा सकती हैं, टोमेटो केच, चिली, गार्लिक सॉस, आलू का जो मसाला मैंने बनाया है वो लगा सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, मैं इसीलिए बताता हूँ, वेरिएशन आप खुद किया करें। अब इसको उठाना ऐसे है कि हाथ से दबा के रखना है, दोनों तरफ से खुले ना, इसको इसमें डाला, इस तरह डिप किया, ठीक है, और इसको हमने डाल दिया। ये उठाया एक तरफ, दो तरफ, इस तरह आराम हमसे खुल भी जाता है, हाथ में खुल जाए कोई मसला नहीं, उठाएं पॉकेट की तरह ये होगा शेप, बहुत एहतियात से इसमें आप डालते जाएं। ये प्लेटर में भी बना सकती हैं, ज़्यादा भी आप बना सकती हैं, ठीक है। अलग से ब्रेड के ये वाले पकोड़े, ब्रेड के चिकन वाले पकोड़े, सैंडविच पकोड़े, ब्रेड के तीन चार वैरायटी हैं ब्रेड पकोड़ों की, तो वो इंशाल्लाह जल्द बना दूंगा। अभी ये सिर्फ प्लेटर की वजह से मैंने सिंपल बनाए चटनी वाले ब्रेड पकोड़े, ठीक है। डबल हैं, डबल को बीच में चटनी लगाएं, और चटनी में पानी ज़्यादा नहीं होना चाहिए क्योंकि डबल रोटी नरम होती है, सोक हो जाती है, ठीक है। डबल रोटी नरम होती है तब पिसजी वेंदी है, आई हूँ नरम थी टुटी वेंदी, तो इन तरीके से खणंदा वंजो सैंडविच वांगर। अब पालक रह गई है, पालक करते हैं, उसके बाद एक पकौड़ा मिक्स वेजिटेबल का रह गया वो बना देते हैं। इसको पलटाना शुरू कर दें ताकि दोनों साइड से इसका कलर आना शुरू हो जाए, ठीक है। इन तरीके से पलटाइंदा वेंदा, ये प्लेटर भी हटा देता हूँ, ज़्यादा होती जा रही चीज़ें, तो इसको एक और इसमें रख देते हैं। ये जैसे हो जाएंगे इसके बाद हम उठाएंगे पालक के पत्ते, चम्मच निकाल देते हैं। पालक जा पत्ता इन तरीके से इनमें कोट कर दो, इस तरह एक दफ़ा उतार दिया करें, हल्की हल्की कोटिंग आनी चाहिए पालक के पत्तों पे, वो ज़्यादा हेवी नहीं, ठीक है। इस तरह पालक का पत्ता इसमें घुमा दिया दोनों तरफ से, ये आपने डाले। पालक में पानी है थोड़ा, एहतियात से क्या करें, और अच्छी तरह ड्राई करके पालक को फिर आप किया करें, ठीक है, इस तरह। और ये हम यहाँ पे निकालते जाते हैं, ये ब्रेड पकोड़े भी हमारे हो गए, ये भी निकालते जाते हैं इसके ऊपर। ठीक है, पालक के भी पलटाइंदा विंदो, प्लेट में निकालनी पड़ेगी हैं, सेक्रेटरी मेरा वहाँ बैठा हुआ है, एक बड़ा प्लेटर कुछ ले लेते हैं जिसमें ये नई चीज़ें डाल देता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा हो रही हैं माशाल्लाह से, ठीक है। ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने कितनी वेरिएशन करनी है, कितनी चीज़ें बनानी है। अच्छी तरह निकालिएगा, पालक के अंदर बाज़ दफ़ा क्या होता है ऑयल रह जाता है, हाथ भी जल सकता है, ठीक है। तो इस तरह ये पालक हमने निकाल दी, इसके बाद अब क्या करेंगे, पालक के दो पत्ते और रह गए, ये भी निकाल लेते हैं, ठीक है, इसी तरीके से। अब लास्ट में एक पकोड़े और हमने बनाने मिक्स वेजिटेबल के, ठीक है। उसके लिए थोड़ा बेसन कम पड़ रहा है तो मैं और बेसन लेता हूँ। ये अब मिक्स वेजिटेबल के लिए हमने एक बॉल लेना है, ठीक है। इसमें हमने डालनी है बंद गोभी हाफ कप, पालक के पत्ते हाफ कप, और एक छोटा प्याज हाफ स्लाइस कटिंग किया हुआ, तीनों चीज़ें एक तरीके से कटिंग की हुई, ठीक है। बंद गोभी पत्ता गोभी है जिसका हुआ, पालक पलटा देते हैं। और उससे पहले हम क्या करेंगे, फ्रेंच फ्राइज जैसे बनाते हैं, आलू एक आलू ले लें, इस तरह चिप्स की तरह कटिंग कर लें, ठीक है। ये मैं इसमें डाल रहा हूँ और हाथ से इसको मिक्स करेंगे, फ्रेंच फ्राइज जो होते हैं
ये भी निकालते जाते हैं और ऑयल का टेम्परेचर थोड़ा डाउन कर देंगे। जब तक हम आलू के चिप्स इसमें डालेंगे तब तक हम दूसरा बैटर बनाते हैं, ठीक है। ये देखें, ये बाकी जो मसाला बचा हुआ था ना, इसमें मैंने फ्राइज डाल दिए, आलू के चिप्स जैसे हम बनाते हैं फ्राइज, ये आपने डाल दिए। अच्छी तरह इसको कोट किया और यूँ उठा के, हाथ ना जले, बहुत आराम आराम से ये डालते जाएँ इसमें, ठीक है। इस तरह दूर कर कर के, छींटे हाथ पे ना, बहुत एहतियात से आपने ये पीसेस डालने, क्योंकि एक साथ आपने छोड़ा तो ऑयल उछल जाता है, हाथ पे आ जाता है, अक्सर हाथ जलते हैं ऑयल में, तो इस वजह से आराम आराम से ये पीसेस यूँ डालते जाएँ, ठीक है। पटाटा, अच्छा इसको आपने मीडियम टू लो फ्लेम पे करना है, क्योंकि आलू कच्चा है, ठीक है, आलू को पकने में टाइम लगता है, तो बारीक करिएगा, मोटे मोटे स्लाइसेस ना हो, मैंने जैसे बारीक में काटे में, ताकि ये ना हो कि आलू अंदर से कच्चा रह जाए और बेसन ऊपर से पक जाए, ठीक है। बेसन मथा ना पचे पचियाने आई पटाटा कच्चा रिजन ये शे ना थी, ठीक है। हे हाणे फ्राई थन पिया, हल्की बाहे थे हाणे इतने छाकंदासी असा खणंदासी बेसण। अब हम आते हैं लास्ट, आखिर में जो एक और चीज़ बनेगी, ये है बंद गोभी हाफ कप, ठीक है। पालक की पत्ते ले लें हाफ कप चॉप किए हुए, और एक अदद प्याज है, ये तीन सब्जियां हो गई। अब इसमें हरा धनिया पुदीना हाफ हाफ कप, हरा धनिया पुदीना सॉरी दोनों मिला के हाफ कप, हरी मिर्च एक अदद, साई मिर्च एक अदद, ठीक है, सावा धाना आई पुदीनो मिलाई भाई अध कप। इसको अच्छी तरह एक दफ़ा ये दबा दें ताकि ये वेजिटेबल सॉफ्ट हो जाएं थोड़ी ना। अभी मैंने इसमें कुछ नहीं डाला, अब मैं इसमें डालूँगा ज़ीरा एक चाय का चम्मच, साबित धनिया कुटावा एक चाय का चम्मच, ज़ीरो एक चाय जो चमचो, कुटियल साबित धाना एक चाय जो चमचो, ठीक है। ये मिलाने के बाद कुटी हुई लाल मिर्च आधा चाय के चम्मच से कम, उसके बाद हल्दी पाउडर क्वार्टर टी स्पून, चौथा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, काला नमक थोड़ा सा क्वार्टर टी स्पून, चौथों चाय जो जो कारो लून, और ये है नॉर्मल वाला सॉल्ट क्वार्टर टी स्पून, दोनों मिला के हाफ हाफ चम्मच हो गया, ठीक है। ये सब शयों मिलाने का पोस में मिलाइंदी चाट मसालो, चाट मसाला इसमें जाएगा हाफ टी स्पून, वही होम मेड यूज़ कर रहा हूँ जो मैंने आपको बना। अब इन सब मसालों को सब्जियों के साथ आपने इस तरह मिक्स करना है ताकि सब्जियों के अंदर फ्लेवर आ जाए, ठीक है, सब्जियाँ फीकी ना रहें, सब्जियों के अंदर फ्लेवर आ जाए। साथ साथ फ्राइज को हिलाते जाएंगे ताकि ये पकते जाएं, ठीक है। सब्जियों जेके इन भाजियों मसालन से अगर मिक्स करना, ऐसे मसालों के साथ अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब इसमें डालेंगे खटाई पाउडर, मैंगो पाउडर जो था ये ऑप्शनल है, इसमें एक चाय का चम्मच चला जाएगा, तो बड़ी चटपटी सी ये वेजिटेबल्स बन जाएंगी, ठीक है। अभी देखें सॉफ्ट और सॉगी सी हो गई, हाँ नरम थी वही वन। अब हम इसमें डालेंगे बेसन, कितना हाफ कप जितना, ठीक है, हाफ कप बेसन डाला या थोड़ा सा उससे ज़्यादा, और उसके बाद थोड़ा सा पानी लेंगे, पानी लेके इस तरह हाथ से बनाने, ये चम्मच से नहीं बनेंगे, ये रफली से बनते हैं, हाथ से बनते हैं, हाथ से इस तरह टाइट ग्रिप करके आपने बनाना है ताकि सब्जियों का फ्लेवर निकले, मसाले सब्जियों में अच्छी तरह मिक्स हो जाएं, और ये इस तरह रफली से ग्रिप करके बनाने, ठीक है। इन तरीके से इनके ठाईं दो, बेसन अगर कम लग रहा है ना, जैसे मुझे लग रहा है, तो मैं इसमें 2 से 3 टेबलस्पून बेसन और ऐड करूँगा, ये इसको इस तरह आपने ऐड करना है, ठीक है। इन तरीके से देखें, बस ये काफ़ी है, इससे ज़्यादा आपने इसमें बेसन नहीं डालना ताकि सब्ज़ियाँ हमारी नज़र आएँ और लच्छेदार ये पकौड़े बनेंगे, ठीक है। ये हो गया बैटर हमारा तैयार, अब ये फ्राइज जो हैं इसको निकाल देते हैं, ये हो गए होंगे, ठीक है। ये फ्राइज भी थी भैया, इनके कर्डून था, पूरा प्लेटर मैंने आपके सामने बनाना सिखा दिया, देखिएगा कल की रेसिपी, देखिएगा कल हम बनाएंगे कीमे के समोसे, ठीक है, चिकन के कीमे के समोसे बनाएंगे, वो देखिएगा बड़े ज़बरदस्त बनते हैं, और एक बनाऊंगा वेजिटेबल समोसे, दोनों साथ ही बनाएंगे, चिकन के समोसे और वेजिटेबल के समोसे, ठीक है। चिकन जब भी समोसा ठाईंदासी नंढा वारा आई वेजिटेबल समोसा ठाईंदासी। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे ये मिक्सचर उठाना है ऐसे, और ये रफली ऐसे इसमें डालते जाएँ, इन तरीके से खणंदा वेंदो, इो विझंदा वेंदो, ठीक है। कॉल वठूँ था, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम फैसल भाई, मैं आपदा मेरे को खास से बात कर रही। कैसी हैं आप, ठीक हैं? जी जी जी, हमारी लाइट अभी भी आई है भाई। अच्छा, आपका प्रोग्राम एंड हो रहा है? हाँ अभी तो है, थोड़ा सा चल रहा है। आपने कल भी बताया था ना मैसेज पे कि आपकी लाइट का इशू आ रहा है, 4:15 आने लगी है। जी जी, रमजान की वजह से ना चेंज हो गया टाइम। हाँ, तो इस वजह से आपका 3 से 4 बजे का शो है और हमारी एक आती है 4:15 के बाद। सही बात है, एंड हो रहा है बिल्कुल ना। अच्छा, तो मैं लिखूँ तो क्या लिखूँ, आप बस YouTube समझ नहीं आता। YouTube पे देख लीजिए। जी जी, YouTube पे देखूंगी। मैंने कहा फैसल भाई से ना
कॉल पे बात कर लेते हैं, बता देते हैं। चले ठीक है, रोजे कैसे जा रहे हैं? जी रोजे अच्छे जा रहे हैं, ससुराल रखा हुआ रोजा भी है। क्या क्या बना रही है में, ये भी बता दे मुझे। मैं बना रही हूँ दही बड़े, बना रही हूँ चने की चाट बना रही हूँ। अरे वाह। इसके अलावा जो ना ये पकौड़े बना रही हूँ। अच्छा, तो अच्छा, दो तीन चीजें तो मैंने बना ली है। उसके बाद फ्रूट वगैरह फ्रूट चाट बनाई है मैंने। अच्छा, अच्छा, फ्रूट चाट का मुझे थोड़ा बता दीजिएगा, मुझे इसे खास बनानी नहीं आती बनाना। ठीक है, आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको सेंड कर दूंगा। अदरवाइज मैं इसी वीक में फ्रूट चाट दो किस्म की बनाऊंगा, एक क्रीमी फ्रूट चाट, एक नॉर्मल फ्रूट चाट। ठीक है, नॉर्मल वाली बता देना मुझे। मैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक है, अपना ख्याल रखोगे। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। अच्छा, इनको अब आपने पकाना है, जब तक ये फ्राई हो रहे हैं मैं काउंटर क्लियर करता हूँ। ब्रेक आए चा? ठीक है, ब्रेक आए चा? काथे? हाँ सही है। ठीक है, ये मैं काउंटर क्लियर कर दूँ, इसके बाद हमने सारा प्लेटर बनाना है। और बड़ी ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ आपके सामने मैंने बना दी हैं, प्लेटर की पकोड़ा प्लेटर, ये आपको काम आएगा। इसमें से आप बहुत सारी मैंने चीज़ें बनाई हैं, अब वही आपकी मर्ज़ी, आप इसमें सारी बनाती हैं, आपकी मर्ज़ी आप इसमें से कुछ बनाती हैं कम। ठीक है, सारा काउंटर क्लियर करके फिर हम इसका करते हैं डिस्प्ले। उसके बाद हम ड्रिंक्स बनाएंगे, एक हमारे पास है टैंक। ठीक है, उसके बाद हम बनाएंगे रूह अफज़ा, मशरूब मशरक रूह अफज़ा। बेसन से थोड़ा हो जाता है ज़्यादा, इसको क्लियर कर दिया। आने खड़ू था प्लेटर। अच्छा, प्लेटर में चटनियाँ हैं, एक तो चटनी मैंने थोड़ी यूज़ भी की है, एक लाल चटनी है, एक केचप है। ठीक है, ये आप अपने हिसाब से। अब हम इसकी वेरिएशन करते हैं, बैंगन। ठीक है, मेरी वांगन लगाई था, चलो इसके बाद यहाँ पे रखते हैं भरी हुई मिर्चें। ठीक है, ये हैं भिंडियाँ, सॉरी। इसके बाद हम रखेंगे इसमें, इस तरह आप पूरा प्लेटर बनाएं, ऑनियन रिंग्स, ठीक है, रिंग थी भैया। इसके बाद रखते हैं बटाटा वड़ा, जो बॉल्स हैं। इसके बाद रखते हैं मिर्चें, बड़ी वाली जो हरी मिर्चें हमने भरी हुई रखी थी, मसाले में बनाई थी, ये हो गई। ठीक है, मिर्चों थी वहीं हाँ। हिंजे बाद असर रखा सी टमाटर के पकोड़े, और ये भी हैं पालक के पकोड़े। ठीक है, प्लेटर हमारा काफ़ी बड़ा हो गया, रिच हो गया, तो मैं चटनियाँ हटा देता हूँ इसमें से। ठीक है, ताकि हमारा प्लेटर कंप्लीट हो गया, ये हो गया। अब सेंटर में हम डालेंगे फ्राइज, आलू के चिप्स जो बनाए थे, ये भी जनासी। ठीक है, अगर चाहें तो चाट मसाला ऊपर से डाल सकते हैं आप लोग, वो आपकी मर्ज़ी। पालक रख देते हैं, ठीक है, पालक थी भाई। इसके बाद है हमारे पास सैंडविचेस जो हमने बनाए थे ब्रेड के, और ये हैं टमाटर। टमाटर इस तरह बीच में रखते हैं। ठीक है, ये टमाटर थी बीच में। आए हाँ हे पकौड़ा थोड़ा तेज़ बाहे थे करी, ताकि सब्जियों में हल्की बाहे इन करे रखियो, ताकि इनमें सब्जियों जो कैन चंगी तरह पची बन। ठीक है, मैंने तेज़ आंच पे इसलिए रखा था ताकि वेजिटेबल्स अच्छी तरह पक जाएँ। बड़ा ज़बरदस्त प्लेटर बना है, अभी भी कुछ चीज़ें बाकी हैं। दावत करते हैं घर में या इफ्तार पार्टी करते हैं तो इन चीज़ों को उस हिसाब से आप बनाएंगे। ठीक है, और अगर आपको ये ज़्यादा लग रही है तो फिर आप कम क्वांटिटी में बना सकते हैं। यहाँ पे हम डाल देंगे ये वाले पकोड़े निकाल के, इसको पलट देते हैं। ये वेजिटेबल्स के हैं, इसका कलर थोड़ा डिफरेंट आएगा क्योंकि इसमें आपको पालक और वेजिटेबल्स सब नज़र आ रही होगी, तो इस तरह डिफरेंट सा इसका कलर आएगा। ठीक है, कल देखिएगा दो किस्म के समोसे बनेंगे, चिकन के समोसे और वेजिटेबल समोसे। मां ड्रिंक्स ठाई दोस्त, मां तहां पे चाह पियो, ब्रेक वठियो। एक शॉर्ट ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद आके रेसिपी कंटिन्यू करते हैं। ठीक है,
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक ते वञण खां पहिरीं तव्हांजे साम्हूं जेका रेसिपी ठाही पकौड़ा प्लेटर तयारु थी वियो हिन सां गॾु टे चटणियूं। ठीकु आहे, पकौड़ा प्लेटर पूरा तयारु हो गया, तीन चटनियां हो गई। अब हम बना रहे हैं मशरूब मशरक रूह अफ़ज़ा, तमामु बहितरीन शरबत है, हमदर्द का ये शरबत है। ठीक है, बहुत सालों से चलता आ रहा है, बचपन से तो हम भी देखते आ रहे हैं और हर दस्तरखान की जीनत होता है। इसको आप दूध के साथ बना सकती हैं, तुखबलंगा डाल के बना सकते हैं, आप इसको डिफरेंट वेरिएशन कर सकते हैं। ठंडा ग्लास आपने एक गिलास पानी लेना है, उसमें आपने चार टेबल स्पून आपने ये शरबत डालना है। ठीक है, रूह अफ़ज़ा, और इसको पानी में अच्छी तरह डिज़ोल्व करें। इसमें कोई पार्टिकल्स, कोई ऐसी आइसिंग कुछ नहीं होती है, बिल्कुल परफेक्ट ये बना होता है। इसमें एक कतरा भी पानी का नहीं डला होता जब ये मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो इसमें एक कतरा ही पानी का नहीं होता। बिल्कुल खालिस अरकियात से तैयार किया हुआ तमाम बेहतरीन ये हो गया मशरूब मशरक रूह अफ़ज़ा। ठीक है, ये आप लें, अवेलेबल है, और इससे आप अपने दस्तरखान को सजाएँ। बेहतरीन ड्रिंक बनती है, डेली बना रहा हूँ मैं, उसकी वेरिएशन करूँगा, बहुत सारी ड्रिंक्स हैं इनकी। अब हम बनाते हैं टैंग। टैंग में हमारे पास पाइनएप्पल फ्लेवर में हम टैंग बनाएंगे। ठीक है, और इसके लिए हमने लेना है ठंडा पानी। इसमें हमने डालने हैं चार खाने के चम्मच, फोर टेबल स्पून पाइनएप्पल, एक दो तीन और ये चार खाने के चम्मच पाइनएप्पल आपने डाला। इसमें चार फ्लेवर हैं इनमें मार्केट में मिलन पिया, टे जग ठाईंदा आहिनि हिकु पैकेट सां। ठीक आहे, खंड वंड मिलाइण जी ज़रूरत न आहे। जो पंहिंजो फ्लेवर ॾाढो ज़बरदस्त हूंदो आहे फ्रूट जो, हिकु आहे कीनू, हिकु आहे ऑरेंज यानी नारंगी। ठीक आहे, ऐं टियों आहे हिन जो ही पाइनएप्पल, ऐं चोथों इन जो आहे मैंगो यानी अंब जो फ्लेवर, बिल्कुलु ओरिजिनल अंब जो फ्लेवर, तमामु बहितरीन। ऐं हे असांजी ॿई ड्रिंक्स तयारु थी वियूं, मशरूब मशरक रूह अफ़ज़ा। ठीक आहे, ऐं हुन सां गॾु असांजो आहे प्लेटर रमज़ान जो, हीअ मां तव्हांखे ठाहिणु सेखारे छॾियो। ऐं हीअ असांजी आहे हिते ड्रिंक जेका टैंग। ठीक है, ये हमारा हो गया टैंग, तो ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा जो मैंने आपको बनाना सिखा दिया। ये पूरा प्लेटर है 6 से 8 अफराद का, ज़्यादा लग रहा है देखने में लेकिन ज़्यादा नहीं है। 6-7 किस्म की चीज़ें एक एक पीस उठाएंगे तो सबके लिए पूरा हो जाएगा। ठीक है, एक अच्छा सा बड़ा प्लेटर बन जाएगा। कल हम बनाएंगे चिकन के समोसे और वेजिटेबल समोसे, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, उसके साथ ये ड्रिंक्स भी बनती रहेंगी इंशाल्लाह। बहुत सारी फरमाइशें आप लोग की पूरी करेंगे। रिपीट टाइम अभी कुछ भी नहीं है, कल आपसे मुलाकात होगी, डेली लाइव हूँ 3 बजे से 4 बजे तक। ठीक है, इंशाल्लाह सुभाणे समोसा ठाहींदासीं चिकन जा ऐं वेजिटेबल ॿ किस्म जा समोसा ठाहींदासीं। पंहिंजो खोड़ सारो ख्याल रखंदो, दुआ में रखंदो। यूट्यूब ते असांजी वीडियोज़ अपलोड थियनि पियूं, सिंध टी वी HD कुकिंग शो या कुकिंग विद फैसल, हुते तमामु रेसिपीज़ अपलोड थियनि पियूं, उते ॾिसंदा वञिजो। या 03142675311 मुंहिंजो व्हाट्सअप नंबर आहे, हुते मैसेज कंदो त हुते बि तव्हांखे वीडियो मिली वेंदी। ठीकु आहे, 03142675311 मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मैसेज करें, वॉइस मैसेज करें, वहाँ भी वीडियो शेयर कर दूंगा। या फिर कुकिंग विद फैसल यूट्यूब पर सर्च करेंगी तो आपको वहाँ पर तमाम रेसिपीज़ यहाँ की जो अपलोड हो रही हैं, रात को अपलोड हो जाती हैं, सारी आपको मिल जाएंगी। रिपीट टाइम नहीं है, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी, दुआ में रखेंगे। अल्लाह हाफिज़। हाणे कुकिंग विद फैसल जा तमाम शो ॾिसो HD क्वालिटी में। विज़िट करियो असांजो यूट्यूब चैनल सिंध टी वी HD कुकिंग शो।